नमस्कार। आज हिंदी दिवस है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मधुबन शैक्षिक पुस्तक की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। सम्मान और उसकी चमक से सराबोर होकर हर किसी को सुकून मिलता है। आपके सामने प्रसारित हो रहे ये गौरव के वे क्षण है जब मधुबन ओरिजिनल बुक्स द्वारा विगत वर्षों अध्यापकों को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2004 में जयपुर, 2006 में भोपाल, 2008 एवं तत्पश्चात 2016 से आज तक प्रतिवर्ष मधुबन एजुकेशनल बुक्स शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित करता रहा आ रहा है। आज मधुबन एजुकेशनल बुक्स हिंदी दिवस को सम्मान समारोह के रूप में मना रहा है, जो न सिर्फ वर्चुअल मंच पर संभव हो पाया अपितु ऐतिहासिक रूप से भी मधुबन के पन्नों में दर्ज हुआ। आज हमारे बीच हिंदी भाषा और शिक्षक जगत से जुड़े विद्वान उपस्थित हैं, जिनके मार्गदर्शन से हमें दिशा मिलती रही है और भविष्य में भी मिलती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों नमस्कार। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। मैं योगिता भाटिया, प्रबंध संपादिका हिंदी, आज के शुभ अवसर पर मधुबन एजुकेशनल बुक्स की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करती। हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत की आजादी के लगभग 2 वर्ष बाद भारत की संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसके महत्व को बताने के लिए सन 1953 में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मधुबन एजुकेशनल बुक्स हिंदी को आगे बढ़ाने में अपने दायित्व को भली प्रकार से निभाते हुए पिछले 4 दशकों से हिंदी पुस्तक निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वहीं प्रांतीय भाषाओं मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ की रोचक किताबों के निर्माण द्वारा प्रांतीय भाषा शिक्षण विकास का प्रयास भी किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए हमने पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ बच्चों में ई बुक, VR, मोबाइल ऐप, वेब लिंक्स के द्वारा डिजिटल प्रयोग को भी बढ़ाने का प्रयास किया है। यह हम सब के लिए हर्षदायक है कि वेब पोर्टल एजुकेट 360 के माध्यम से हम भारत भर के बच्चों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रहे हैं, जिससे दूरस्थ स्थानों पर भी घर पर रहकर शिक्षा ग्रहण करना सरल हो जाए। आज के शुभ अवसर पर इस वर्चुअल मंच से हम सहर्ष हमारे माननीय उपराष्ट्रपति श्रीमान एम वेंकैया नायडू जी का सहृदय स्वागत करते हैं, जिनकी उपस्थिति ने हिंदी दिवस की गरिमा को और गौरवान्वित कर दिया। साथ ही साथ हम स्वागत करते हैं हमारे बीच उपस्थित शिक्षाविद प्रोफेसर उषा शर्मा NCERT, प्रोफेसर पवन सुधीर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स NCERT, प्रोफेसर सरोज शर्मा इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय। मधुबन की ओर से मैं श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, पूर्व उप महानिदेशक आकाशवाणी, श्री श्याम सुशील जी साहित्यकार, प्रोफेसर दिविक रमेश जी बाल साहित्यकार का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ, जो कुछ ही देर में हमारे साथ इस वर्चुअल मंच से जुड़ेंगे। विशेष तौर पर मधुबन की ओर से आदरणीय श्री मुरली मनोहर जी का भी सस्नेह स्वागत करती हूँ, जिनके अथक प्रयासों से मधुबन को काफी सहयोग मिला है। हमारे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के विषय में कहने के लिए बहुत कुछ है, किंतु मैं कुछ विशेष बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगी। ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी का हमारे बीच उपस्थित होना हमारे लिए गर्व की बात है। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी की सामाजिक एवं राजनीतिक यात्रा एक कार्यकर्ता के रूप में वर्ष 1971 से अध्यक्ष छात्र संघ VR कॉलेज से आरंभ हुई।
वर्ष 1998 में आप प्रथम बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए, वर्ष से ग्रामीण विकास मंत्री, वर्ष 2000 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपने अपनी सेवा प्रदान की। वर्ष 2004 से 2014 तक विभिन्न प्रभारों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। 2014 में शहरी विकास मंत्री और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री के रूप में सेवाएं प्रदान की। वर्ष 2017 से भारत के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति पद को गौरवान्वित कर रहे हैं। सामाजिक कार्यों के प्रति आपकी अभिरुचि के कारण आप कृषि, स्वास्थ्य, व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, पशु देखभाल कार्यों में संलिप्त रहते हैं। आपको वर्ष 2019 में कोस्टा रिका में यूनिवर्सिटी ऑफ पीस द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि तथा कोमोरोस संघ के राष्ट्रपति द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द ग्रीन क्रिसेंट से सम्मानित किया गया। यही मैं सर को धन्यवाद देते हुए बुलाना चाहूंगी मधुबन एजुकेशनल बुक्स के व्यवसाय प्रमुख श्री नवीन राजलानी जी को कि वे हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी का औपचारिक स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद योगिता जी। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नमस्कार। गांधी जी ने उचित ही कहा है, हृदय की कोई भाषा नहीं, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है। आज हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी, भारत सरकार, श्रीमान एम वेंकैया नायडू जी का मधुबन एजुकेशनल बुक्स की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय उपराष्ट्रपति जी की वर्चुअल उपस्थिति से आज न केवल हम अपितु पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक जुड़े सभी अध्यापक गण गौरव का अनुभव कर रहे हैं। मैं एक बार फिर माननीय उपराष्ट्रपति जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आग्रह करता हूं कि वे आज हिंदी दिवस के अवसर पर देश भर से जुड़े अध्यापकों के नाम अपना संदेश दें। बहुत बहुत जी उपराष्ट्रपति। श्री नवीन राजलानी जी, मधुबन एजुकेशनल बुक्स के व्यवसाय प्रमुख, प्रोफेसर उषा शर्मा जी एनसीईआरटी से, प्रोफेसर सरोज शर्मा जी, प्रोफेसर पवन सुधीर जी, श्रीमती योगिता भाटिया जी, इस माध्यम से हमसे जुड़ने वाले गणमान्य अतिथियों, सब शिक्षक गण और सभी छात्रों, हिंदी दिवस के अवसर पर भारत के भविष्य की मेधावी नागरिकों से बात करने का सुयोग मिला है। बहुत हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। इस अवसर को आयोजित करने के लिए मधुबन एजुकेशनल बुक्स की सराहना करता हूं। मित्रों, आज एक दिन, आज ही के दिन 1949 में हमारी संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था, सबको मालूम है। उसी वर्ष 26 नवंबर को संविधान सभा में अपने समापन भाषण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी महत्व बताते हुए कहा था कि पूरी देश ने पहली बार अपने लिए एक राजभाषा को स्वीकार किया है। जिनकी भाषा हिंदी नहीं भी है, उन्होंने भी स्वेच्छा से राष्ट्र निर्माण के लिए उसी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि हर क्षेत्र न सिर्फ अपने भाषा का प्रयोग करने के लिए आजाद होगा, बल्कि उसे अपनी परंपराओं, संस्कारों की भाषा को विकसित करने के लिए बढ़ावा भी दिया जाएगा। ये भी उन्होंने उस समय कहा है। इससे पहले 1946 में हरिजन में अपने एक लेख में महात्मा गांधी जी ने लिखा था कि क्षेत्रीय भाषाओं की नींव पर ही राष्ट्रभाषा की भव्य इमारत खड़ी होगी। राष्ट्रभाषा और क्षेत्रीय भाषाएं एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं।
ये विषय सब लोग समझना चाहिए, और जो हिंदी प्रेमी है वो लोग भी अपना भाषण में और हिंदी को प्रोत्साहन करते समय, हिंदी का मदद में बात बहुत बोलते समय इस विषय को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि गांधी जी ने 1918 में तत्कालीन मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रजा सभा की स्थापना की थी, और उनके पुत्र देवदास गांधी जी ने पहले हिंदी प्रचारक बने, महात्मा जी का पुत्र। मित्रों, महात्मा जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा सुझाया मार्ग ही हमारा भाषाई को एकता को सुदृढ़ करना सकता है, कर सकता है। हमें अपनी भाषाई विविधता पर गर्व होना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं विविधता में एकता भारत का विशेषता। अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। हमारी सभी भाषाओं का समृद्ध साहित्यिक इतिहास रहा है, हमारी भाषाएं हमारा सांस्कृतिक धरोहर है। मेरा मानना रहा है कि ना कोई भाषा थोप जाना चाहिए, ना किसी भाषा को कोई विरोध होना चाहिए। हर भाषा वंदनीय है, हर भारतीय भाषा प्रमुख रूप में। कोई भी भाषा हमारा संस्कारों के तरह शुद्ध और हमारे आस्थानों के तरह पवित्र होती है। कोई भी भाषा समावेशी और स्थायी विकास के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी ही चाहिए। इससे बच्चों को स्वयं अभिव्यक्ति करने में और विषय को समझने में आसानी होती है, पढ़ने में भी रुचि पैदा होती है। मुझे खुशी है कि नया शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषा और संस्कृति के महत्व को स्वीकार किया गया है। ये बहुत जरूरी है, पहले ही करना था। इसके लिए हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अच्छी पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करानी होगी। इस दिशा में आप जैसे प्रकाशन संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैंने सदैव माना है कि सभी भारतीय भाषाओं का विकास साथ ही हो सकता है। उनके बीच संवाद स्थापित करने में प्रकाशकों और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हम अन्य भारतीय भाषाओं को कुछ ना कुछ मुहावरे शब्द या गिनती जरूर सीखे। मेरा आग्रह होगा कि हिंदी में भी छात्रों का अन्य भारतीय भाषाओं के प्रख्यात साहित्यकारों की जीवनी, उनकी कृतियों से परिचित कराया जाए, ये बहुत आवश्यक है। तथा हिंदी के साहित्यकारों और उनकी कृतियों से अन्य भाषाई क्षेत्रों के परिचित कराया जाए। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के सीखना आसान होगा, क्योंकि राष्ट्र के संस्कार विचार तो समान ही है। ऑनलाइन भारतीय भाषा में सीखने के लिए आधुनिक तकनीक की सहायता ली जा सकती है। मुझे यह जानकर खुशी है कि मधुबन एजुकेशनल बुक्स विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करता रहा है। इस काम में आपको बुद्धिजीवी लेखकों का मार्गदर्शन भी मिलता रहे है। आप हिंदी दिवस के अवसर पर देश भर में हिंदी शिक्षण में योगदान देने वाले शिक्षकों और मेधावी छात्रों को सम्मानित करते हैं। शिक्षा, विशेषकर हिंदी शिक्षा के क्षेत्र में आपके प्रयास अभिनंदनीय है। मैं इस अवसर पर सम्मानित शिक्षकों, मेधावी छात्रों का उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी मेधावी छात्रों छात्रों से मेरा अनुरोध होगा कि वे अपनी मातृभाषा का सम्मान करें, रोज के नियमित कामों में उसका प्रयोग करें, घर में परिवार के साथ, पड़ोसी के साथ, अपना इलाका में लोगों से मातृभाषा में ही बातचीत करना चाहिए। हिंदी और देश भाषा की भाषाओं का साहित्य पढ़े, उसमें लिखे, तभी हमारा भाषाओं का विकास होगा, वे समृद्ध होगी। हिंदी दिवस पर आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन करता हुए मैं चाहता हूं हम लोग धीरे धीरे
देश भर में हिंदी भाषा को कैसा व्यापक रूप में प्रोत्साहन करना, ये काम हम सब लोग लेना बहुत जरूरी है। मैं जब दक्षिण भारत में जाता हूँ वहाँ भी काफ़ी रुचि है लोगों में हिंदी सीखने के लिए, मगर कुछ लोग इसको विवाद का विषय बनाना चाहते। मेरा सुझाव यह है उन लोगों को, भाई देश देश में ज़्यादा सा लोग बोलने वाले भाषा हिंदी है, ये सीखना आपके लिए भी उचित होगा, आपका भविष्य के लिए भी उपयोगी होगा। और साथ ही साथ मैं हमेशा कहता हूँ सरकार को और सरकारों को, प्रदेश सरकारों को, सबको भी, कोई भाषा को थोपना नहीं चाहिए किसी के ऊपर। इसलिए मैंने अंग्रेजी शब्द में कहा उन लोगों को, नो इम्पोजिशन, नो अपोजिशन, नो इम्पोजिशन, नो अपोजिशन। जितना भाषा आप सीख सके तो उतना अच्छा होगा। इस संकट का समय मैं बच्चों से बातचीत करते समय और परिवारों से, अलग अलग परिवारों से बातचीत करते समय उन लोगों को कहा भी, बच्चे अपना मातृभाषा के साथ हिंदी सीखने के लिए प्रयास करें। जो हिंदी इलाके में रहने वाले बच्चे वो अपना मातृभाषा हिंदी के साथ एक दक्षिण भारतीय नहीं तो एक अन्य भारतीय भाषा सीखना बहुत उपयोगी होगा और जरूरी होगा। आप उत्तर प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से है, राजस्थान से है, हिमाचल से है, आप तमिल सीखिए, तेलुगु सीखिए, कन्नड़ा सीखिए, मराठी सीखिए, मलयालम सीखिए, कोई भी अन्य भारतीय भाषा, जितना भाषा आप पढ़ेंगे नहीं तो जितना भाषाओं में आप बोल सकेंगे उतना आपका भविष्य अच्छा होगा, ये मेरा विश्वास है। मैं खुद दक्षिण भारत से आता हूँ, मैंने बचपन में हिंदी पढ़ा नहीं, उस समय हिंदी विरोध आंदोलन चल रहे थे हमारे इलाके में। उस समय मैं नेल्लूर, आंध्र प्रदेश नेल्लूर से हूँ, चेन्नई का बगल में है, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी था। बाद में जब मैं दिल्ली आए, राजनीतिक क्षेत्र में पार्टी का अखिल भारत महामंत्री बनके, तब मुझे समझ में आया हिंदी कितना उपयोगी है, हिंदी के बिना हिंदुस्तान में आगे बढ़ना संभव भी नहीं है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि भारतीय भाषा है हिंदी, हमारा भाषा है, उसको सीखने में, उसको प्रोत्साहन करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा, अन्य भारतीय भाषा उसको भी साथ लेना चाहिए। मातृभाषा, मैं हमेशा कहता हूं मातृभाषा आपका आंख है, और पराई भाषा, कुछ मुझे अंग्रेजी सीखने में भी आपत्ति नहीं है, मैं हिंदी दिवस के अवसर पर कह रहा हूं, मगर पहले अपना मातृभाषा राष्ट्रभाषा सीखो, उसके बाद अंग्रेजी सीखो, फ्रेंच सीखो, नहीं तो रशियन भाषा सीखो, इसमें क्या आपत्ति है। तो अपनी मातृभाषा अंक जैसा है, और पराई भाषा जो बाहर का है वो चश्मा है, चश्मा उपयोग में आता है मगर आंख है तो, वो दृष्टि नहीं है तो चश्मा पहन के करेंगे क्या आप, रेबान पहने से भी आपका जुबान से कुछ आएगा नहीं। तो इसलिए मेरा कहना यह है देशवासियों से, विशेष रूप में युवा पीढ़ी को, कृपया आप लोग हिंदी सीखने के लिए प्रयास करिए, और हिंदी इलाका का बच्चे और अन्य भारतीय भाषा विशेष रूप में दक्षिण भारतीय भाषा सीखिए, इसके कारण से एक सद्भावना बढ़ेगा, एक प्रेम और आदर वो भी बढ़ेगा, और एक दूसरे के एक दूसरे को आदर करते हुए हम हमारा भारतीय भाषाओं को आगे ले जाना चाहिए। मैं और एक बार मधुबन विद्यालय को इस कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं उनको अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज जो महानुभाव देश भर में और जो मेधावी
लोग इसमें शामिल हो रहे हैं उन सब लोगों को भी मेरा शुभकामना है। नमस्कार, जय हिंद। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में भाषा विविधता पर बल दिया, समावेशी एवं स्थानीय भाषा पर बल दिया, हिंदी में विभिन्न भाषाओं के साहित्य को शामिल करने पर भी बल दिया। हम आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय के दिखाए मार्ग पर चलते हुए सभी भाषाओं को समृद्ध करने का भरसक प्रयास करते रहे हैं और करते रहेंगे। मधुबन प्रकाशन हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित अखिल भारतीय कार्यक्रम हिंदी है हम के माध्यम से हिंदी शिक्षण अपने रचनात्मक एवं सृजनात्मक शिक्षण द्वारा विशेष योगदान देने हेतु वर्ष 2020 के नामों की उद्घोषणा करते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है। आज कोरोना महामारी के बाद भी भारत के कोने कोने से शिक्षक गण निर्बाध शिक्षण कर रहे हैं एवं भारत के भविष्य को संवारने के लिए योद्धा की भांति अपने कर्तव्य का पूर्णतया पालन कर रहे हैं। मधुबन की ओर से सभी शिक्षक योद्धाओं को शत शत नमन करते हुए मैं अपने सभी शिक्षकों के सम्मान में संत कबीर जी की प्रसिद्ध पंक्तियां आपके सामने कहना चाहूंगी। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। अर्थात गुरु कुमार है और शिष्य घड़ा है, भीतर से हाथ का सहारा देकर बाहर से चोट मार मार कर और गढ़ गढ़ कर शिष्य की बुराई को निकालते हैं। धन्यवाद। अब मैं हमारे व्यापार प्रमुख श्री नवीन राजलानी जी से आग्रह करती हूं कि वे माननीय उपराष्ट्रपति जी का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन दें। जी धन्यवाद योगिता जी। आदरणीय श्रीमान एम वेंकैया नायडू जी, आपने सही कहा, हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए और हो भी क्यों ना, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है, हमारी मातृभाषा है और इतनी प्यारी भाषा है। सो इसी के साथ मैं आपका हार्दिक आभार करता हूँ कि आप वर्चुअल मंच के माध्यम से हिंदी दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित हुए और इस मंच की शोभा बढ़ाई। उपराष्ट्रपति जी सदैव हिंदी एवं मातृभाषाओं को लेकर कार्य करते रहे हैं। आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम में उपस्थित सभासदों का उत्साहवर्धन किया। माननीय उपराष्ट्रपति जी एवं भारत सरकार के मार्गदर्शन में हम सदैव हिंदी को आगे बढ़ाने की कड़ी के रूप में कार्य करते रहे। सरल है हिंदी, सुबोध है हिंदी, सुंदर अभिव्यक्ति है हिंदी, हिंदी ही सभ्यता है, हिंदी ही संस्कृति है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे। आज हिंदी दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मधुबन शैक्षिक पुस्तक की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।